गर्मी का मौसम अपनी शुरुआत के साथ ही कई खास फलों की बहार लेकर आता है। इसमें कुछ खास फल तो ऐसे हैं जिनका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। वैसे तो इस मौसम का सबसे खास फल फलों का राजा आम है, लेकिन गर्मी के इसी मौसम में आने वाले कई खास फल भी ऐसे हैं जो तन को पसीने से निचोड़ देने वाले इस मौसम में लोगों को अपनी ठंडी तासीर और मजेदार स्वाद से दिल दिमाग दोनों को ही कुछ मिनटों में सुकून दे देते हैं। इन खास फलों में आज हम बात कर रहे हैं तरबूज के छोटे भाई खरबूजा की। आकार में चाहिए है, खरबूजा तरबूज से छोटा दिखाई देता है, लेकिन स्वाद और सेहत को होने वाले फायदों में यह फल तरबूज से भी आगे है। खरबूजा की सबसे बड़ी खासियत इसका बीज होता है, जो इस फल को खाने के बाद कई तरह से काम आता है। मुख्य रूप से इसके बीज का उपयोग कई प्रकार से औषधि और मीठे जायकों के साथ ठंडाई के स्वाद को टेस्टी बनाने के रूप में होता है। गर्मी के मौसम में हाथों हाथ तरावट देने वाला यह खरबूजा कई बीमारियों का काल भी होता है। इसके सेवन से न केवल गर्मी के मौसम में शीतलता बल्कि सेहत को कई फायदे भी मिलते हैं। फल बाजारों में यह खरबूजा अपनी दो किस्मों के साथ आता है। ताजा है ये, आदमियों को तरावट देता है, शीतलता देता है, दिमाग को ठंडा रहता है और इसका बीज एक अमृत का बीज समान होता है जो दिमाग को ठंडा करता है और दवाइयों में भी काम आता है। भांग ठंडाइयों में छानने में भी इसका बीज तरबूज का काम आ जाता है। ठंडाई में लो या कोई दवाई में लो या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में लो दवाई में, तो ये ठंडक तरावट के लिए काम आता है। मिठाइयों में बर्फियों का मतलब क्या है कि चूर्ण पीस के, एक तो मूंग की बर्फी में काम आता है, मावे की बर्फी में काम आता है और रसगुल्लों में भर के भी करते हैं इसको। मतलब उन मिठाइयों के टेस्ट को भी बढ़ाता है और तरावट देता है।